नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर आशी विद अवर प्रिंसेस पर। और आज जो है मैं झटपट तैयार होने वाली सेव की सब्ज़ी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है, कुछ प्याज लिया है दो, और अदरक का टुकड़ा लिया है थोड़ा सा, और कुछ लहसुन की कलियाँ ली है। और यहाँ पर ये देखिए, ये लहसुन की सेव है मेरे पास। आपके पास जो भी सेव आपके पास हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो है मैंने प्याज को जो है बारीक बारीक कट कर लूँगी। और एक्चुअली ये सब्ज़ी जो है अभी जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो सब्ज़ियाँ वगैरह जो है अगर यदि नहीं मिलती है तो ये सब्ज़ी जो है बनाने में बहुत ही आसान रहती है और बहुत जल्दी बन जाती है, टाइम भी बहुत कम लेती है एक्चुअली ये सब्ज़ी बनाने में। तो और सब्ज़ी वगैरह यदि अवेलेबल ना हो तो ये सब्ज़ी जो है आसानी से बन जाती है और स्वादिष्ट भी बहुत लगती है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में जो है तेल डाल दिया है और उसके बाद जो है मैं इसके अंदर जीरा ऐड कर लूँगी। और थोड़ा सा जीरा जो है चटकने के बाद मैं इसके अंदर प्याज को ऐड कर दूँगी। और प्याज को ऐड करने के बाद में जो है इसको थोड़ा सा हल्का सा जो है गोल्डन ब्राउन होने दूँगी। फिर उसके बाद जो है मैं इसके अंदर लहसुन जो है ऐड कर दूंगी। और प्याज और लहसुन को जो है मैं अच्छा सा हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर होने दूंगी, तब तक के लिए मैं जो है इसको अच्छे से भूनूंगी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। और ये देखिए गोल्डन ब्राउन कलर जो है प्याज और लहसुन का, और थोड़ा सा जो अदरक मैंने इसके अंदर डाला था उसको जो है मैंने अच्छे से क्रश कर लिया था। तो ब्राउन कलर होने के बाद अच्छे से जो है मैं इसके अंदर टमाटर को ऐड कर दूंगी। और टमाटर को ऐड करने के बाद 2 मिनट केवल उसको पका लूँगी। और टमाटर को जो है थोड़ा सा जो है पकने के बाद हम इसके अंदर सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने डाला है मिर्च, 1 चम्मच मिर्च, और उसके बाद 1 चम्मच धनिया, और उसके बाद में डालूँगी मैं 1/2 चम्मच हल्दी, और थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, और बाद में डालूंगी मैं नमक, और उसके बाद में इसके अंदर जो है थोड़ा सा पानी डालूंगी सूखे मसालों के अंदर, ताकि जो है मेरे सूखे मसाले वो जले नहीं। और थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद मैं जब तक इसको पकाऊंगी अच्छे से भून लूंगी इसको, जब तक कि सारे मसाले जो है अच्छे से पक ना जाए और जो है तेल जो है मसाले छोड़ ना दे। ये देखिए ये जो मेरा मसाला है ये पककर रेडी हो गया है और ऑयल देख सकते हैं आप ऊपर आ गया है। तो इसके बाद जो है आपको पानी ऐड करना है, पानी आपको अपनी आवश्यकता अनुसार ऐड करना है। मैं यहाँ दो लोगों की सब्ज़ी बना रही हूँ तो यहाँ मैं अपने कर रही हूँ। तो इसके बाद ये देखिए पानी में जो है अच्छे से बॉईल आने देंगे आप जो आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं। फिर उसके बाद आखिरी में इसके अंदर जो है आपको सेव ऐड करनी है, और सेव ऐड करते ही आपको जो है गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देनी है, और उसके बाद जो है कुछ देर के लिए इसको ढक कर रख देना है। और कुछ देर ढक के रखने के बाद देखिए ये सेव की जो ग्रेवी है इस तरह तैयार हो चुकी है सब्जी। तो आपको यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। इसको आप रोटी के साथ, पराठों के साथ या पूरी के साथ खा सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।